नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज दिनांक 13 मई 2020 और बुधवार का दिन बहुत ही शानदार दिन, गणेश जी भगवान का जो पावन दिन माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ अंतःस्रावी तंत्र के ही बारे में। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिवरक ग्रंथि। कौन सा रहेगा दोस्तों? अधिवरक ग्रंथि। दो नंबर ग्रंथि है अधिवरक ग्रंथि। तो वृक्क के ऊपरी भाग में ये एक जोड़ी अधिवरक ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे जो वृक्क होती हैं, किडनी होती हैं, उनके ऊपरी भाग के अंदर इस प्रकार से बिंदुनुमा संरचना के रूप में वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं अधिवरक ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, ये अधिवरक ग्रंथि होती है। आगे हम बात करें, ये जो ग्रंथि होती है अधिवरक ग्रंथि, ये दो हार्मोन्स बनाती है। सबसे पहला हार्मोन होता है एडिनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एडिनेलिन हार्मोन, इसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन होता है नोर एडिनेलिन, या इसको नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बनाती है आपातकाल के समय। जब हमारा शरीर किसी संकट के अंदर होता है तब ये हार्मोन्स बनाती है और हमारे शरीर का नियंत्रण करती है। दोस्तों, ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती है? तो ये हमारे शरीर के अंदर हृदय की धड़कन का नियंत्रण करती है, हृदय के संकुचन का नियंत्रण करती है, श्वसन दर का नियंत्रण करती है और गुठलियों का जो फैलाव होता है इसके नियंत्रण का कार्य करती है। बहुत ही शानदार कार्य करती है, इस कारण इसे संकटकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी के अंदर एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इन हार्मोन्सों को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संकट के समय हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इस कारण हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है लिवर ग्रंथि, इसको संकटकालीन ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम तीसरी ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी ग्रंथि हमारे पास है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि होती है ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे जो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं उसमें अग्र मस्तिष्क होता है, उसके ऊपरी भाग के अंदर ये जो ग्रंथि होती है ये पाई जाती है। इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन बनाया जाता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये हमारे शरीर के जो दैनिक कार्य होते हैं, जो रोजाना के कार्य होते हैं, उसका नियंत्रण का कार्य करती है। और यह निद्राकालीन हार्मोन्स होता है जो नींद आने के समय बनता है। तो दोस्तों, ये पीनियल ग्रंथि ही होती है जो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, नींद के समय हार्मोन बनाती है और हमारे शरीर का जो नियंत्रण होता है, पूरे दिन के जो कार्य होते हैं उन सभी से हमारे शरीर को रिलैक्स करती है और आराम देने का कार्य करती है। ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है। इसलिए हमें पूरे 24 घंटों में से कम 6 घंटे नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये सारी बात थी इन दो ग्रंथियों की। हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक लेके आएंगे अगली ग्रंथि के बारे में। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं दोस्तों? हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारा सहयोग दीजिए। हम सब मिलकर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अपना ख्याल रखें और अपने सभी परिजनों का ध्यान रखें। और एक बार फिर मैं आपको यही कहता हूँ कि जो भी हमारे इस पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए और उनके साथ चलने का पूरा प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।